ಕರಡಿಗೆ ಇಕ್ಕನ ತುಡೆ ಆವಾಜ್ ಗೆ ಬಾಯ್ ਤਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਜੇ ਬੁਕਣ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਖੀ ਤਾ ਪਰਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜਨੇ ਇਹ ਗੋਛਾ ਇਸ ਕੀ ਸੋਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾ ਗਵਾੜ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਦੀ ਜੀ ਦੇਰਾ ਗੰਨ ਬੈਠਾ ਤੋ ਤਸਵੀਰੇ ਦਨੋਦਾ ਖੁਰਦਗਾਉਂ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ जो FSL की टीम है वो पहुंची है। पहले बाहर निकाला जाएगा दोनों बच्चियों को और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या कुछ मामला है, इसकी जानकारी भी अधिकारियों के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो जितने दर्शक जुड़े हुए हैं अपनी प्रतिक्रिया के साथ, तो दनोदा खुर्दगांव की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं जो SFL की टीम है वो मौके पर पहुंची है और दो बच्चियों को दफनाया गया था, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं जो ये टेंट लगाया हुआ है इसी जगह पर दोनों बच्चियों को दफनाया गया था और DSP मौके पर पहुंचे हैं, SFL की टीम मौके पर है और जो भी प्रशासन विभाग की कार्रवाई बनती है वो सभी मौके पर मौजूद हैं। हाँ कर ले तो इसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, क्या कुछ निकल कर आता है और कितनी जो दोनों बच्चियों के सब है और जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, जानकारी के लिए आप तो बता दें कि लगभग 15 दिन पहले एक माँ ने अपनी ही जो जुड़वा बच्चियां थी दोनों की उनके मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक घटना दिखाकर यहां दफना दिया गया था और इसकी सूचना खुद मां ने ही जब पड़ोसियों को दी तो उसके बाद पता चला कि खुद मां ने ही दोनों बच्चियों की हत्या की है, जिसके बाद मामला उजागर हुआ और पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची तो उस मां ने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए यह कह दिया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जिसके बाद आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो SFL की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो अन्य टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और दोनों बच्चियों का शव और जुड़वा ये बच्चियां थी दोनों ही और इसके अलावा कोई बच्चे भी इनके पास नहीं हैं। दनोदा खुर्दगांव की तस्वीरें हैं। तो क्या कुछ देखते हैं आप इस घटना को सुनकर और देख कर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अपनी राय जरूर दें। जितने दर्शक जुड़े हुए हैं खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। आंसू जाट ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, फांसी होनी चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार के जो घटना होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और ताकि एक सबक मिले। दो ही बच्चियां थी और जब घर पर कोई नहीं था और मां नहीं, जो तकिया होता है दोनों को लेटाकर वहां उनका मुंह तकिए से दबा दिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई और फिर अचानक तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाया गया, जिसके बाद और मां ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। ये एक बुरी खबर है और ऐसी मां के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितने दर्शक जुड़े हुए हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें ताकि इस प्रकार की सूचनाएं जो है हर व्यक्ति तक पहुंचे और अपने सुझाव के साथ साथ खबर को शेयर करते रहें ताकि जो इस प्रकार के मैसेज हैं, जो इस प्रकार की दरिंदगी एक माँ द्वारा अपने ही बच्चियों पर की गई है वो उजागर हो सके। और प्रवीण जाट जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद है, शेयर जरूर करते रहें प्रवीण जी, आंसू जी, ताकि दूसरे लोग भी इस घटना को देख सकें। लाइव दिखाया जा रहा है न्यूज़ीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको, और अधिकारियों से बात भी की जाएगी और गाँव के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कुछ निकल कर आया है। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी कलयुगी लेडीज़ के लिए, बिल्कुल रमेश कुमार जी, कार्रवाई होनी चाहिए और इसी कार्रवाई के चलते टीम यहां पहुंची हुई है और खबर को शेयर जरूर करते रहें। रमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे अच्छे साथी सहयोगी, तो जितने दर्शक जुड़े हुए हैं लगातार शेयर जरूर करते रहें। और मामला ऊपर लिखा भी गया है जैसा कि आपको पता है, दनोदा खुर्दगांव की ये तस्वीरें हैं जहाँ शमशान घाट का दृश्य आप देख सकते हैं और यहाँ लगभग 14 दिन पहले एक माँ ने अपनी ही दो जुड़वा बेटियाँ थी उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद एक घटना बताया गया
बहाना बनाया गया था कि तबीयत खराब होने पर ये घटना हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ, पड़ोसन को बताया तो इस मामले को उजागर किया गया और इसके बाद आज यहाँ जो सब हैं, दोनों बच्चियों के, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ और 8 से 9 साल महीने की थी, 8-9 महीने की, लगभग 8 महीने की दोनों वो बच्चियाँ थी। जगजीत चौरान जी हमारे साथ, सहारण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो खबर को शेयर जरूर करते रहें जितने दर्शक जुड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें न्यूज़ लाइन इंडिया के माध्यम से आपको बनौदा खुर्द गांव से दिखाई जा रही हैं, जहां एक कलियुग की माँ ने अपनी ही दो मासूम बेटियां, नौ महीने की दोनों बेटियां थी, तो उन्हें जो है उनका दम घोट कर खुद ही मौत के घाट उतार दिया और फिर बहाना बना दिया कि तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई है, जिसके बाद दफना दिया गया था। लेकिन लगभग 13-14 दिन बाद ये मामला उजागर हुआ, जिसके बाद SFL की टीम है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो टेंट आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये टेंट इसलिए लगाया गया है, इसी बीच यहाँ निकाले जा रहे हैं दोनों बच्चियों के शव, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाए जाएंगे और आगे की कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तो जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, खबरों को शेयर जरूर करते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें, ताकि इस प्रकार के जो कलियुगी लोग होते हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके और एक ऐसा संदेश इस खबर के माध्यम से हम दे सकें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे कि ऐसा करना कितना खतरनाक उसके लिए हो सकता है और समाज के लिए कितना खतरनाक है। रमेश कुमार जी पड़ोसन ने